नमस्कार, बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं अरविंद कुमार श्रीवास्तव का कहानी संग्रह अरविंद की कहानियां। और हमारी आज की कहानी है चाणक्य और चंद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। विष्णुगुप्त 10 वर्षों तक आचार्य राधा मोहन के साथ रहा। वह अत्यंत प्रतिभाशाली था। उसकी प्रतिभा से आचार्य काफी प्रसन्न थे, तो अन्य साथी शिक्षार्थी हतप्रभ। उसका ज्ञान और कुशलता उसकी उम्र से कहीं बहुत अधिक थी। केवल शास्त्र विद्या में ही नहीं, वरन शस्त्र संचालन में भी वो काफी निपुण हो गया था। भाला चलाना उसका प्रिय खेल और प्रिय अस्त्र था, जिसमें उसे निपुणता प्राप्त थी। यद्यपि अन्य प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का चलाना और उनका निर्माण करने की कला भी वो सीख गया था। सीखने की क्षमता, अध्ययन की लगन, मेहनत करने में उत्साह और निरंतर सफल होने की आस्था रखने के कारण एक दिन आचार्य राधामोहन ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, विष्णुगुप्त, मैं समझता हूँ यहाँ तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है। तुम मेरे सहपाठी आचार्य पुंडरीकाक्ष के पास उच्च शिक्षा के लिए तक्षशिला चले जाओ। मैं पत्र लिख देता हूँ। तुम्हारे पास प्रतिभा, लगन और उत्साह की कोई कमी नहीं है, तो तुम्हारा चयन तक्षशिला में अवश्य हो जाएगा। यह तो आपकी उदारता होगी आचार्य, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। विष्णुगुप्त ने श्रद्धा से अपना सिर आचार्य के चरणों में रख दिया। तक्षशिला में विष्णुगुप्त के नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र मुख्य विषय रहे थे। उच्च शिक्षा पूरी हुई तो उसे वहीं तक्षशिला में नीति शास्त्र विभाग में ही शोध करने का अवसर मिला और आचार्य का पद भी। तक्षशिला के प्रांगण में विष्णुगुप्त के अध्यापन की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। गहन अध्ययन और शोध के बाद उसके द्वारा लिखे जा रहे ग्रंथ नीति शास्त्र को तक्षशिला के विद्वानों के द्वारा मान्यता मिलनी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे उसका ग्रंथ एक कालजयी रचना बनती जा रही थी। विष्णुगुप्त अब तक्षशिला में शिक्षार्थियों के बीच एक लोकप्रिय और विद्वान आचार्य माना जाने लगा था। 8 वर्ष बीत गए थे, उसके नीति शास्त्र ग्रंथ को तक्षशिला की मान्यता मिल गई थी। उसका शोध पूरा हो गया था और अब वो तक्षशिला का महत्वपूर्ण और विख्यात आचार्य था। विष्णुगुप्त की ख्याति अब केवल तक्षशिला तक ही सीमित नहीं रही थी, वो पूरे गांधार राज्य में जाना और पहचाने जाने लगा था। गांधार राजमहल में राजा अम्भी, राजकुमार अम्बिक और राजकुमारी अलका के द्वारा भी वो सम्मानित किया जा चुका था। विष्णुगुप्त के हृदय में मगध के राजा घनानंद के प्रति धधक रही ज्वाला तक्षशिला में मिल रहे आदर और सम्मान के पश्चात भी बुझने का नाम नहीं ले रही थी। वो अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक जाने या फिर किसी भी सीमा को तोड़ डालने के लिए तत्पर हो गया था। तक्षशिला में विष्णुगुप्त के 8 वर्ष भी हो गए थे। ये वो समय था जब भारत में जैन और बौद्ध धर्म का विस्तार बहुत तेजी से होने लगा था और अधिकांश राजा धर्मों को स्वीकार कर अहिंसावादी हो रहे थे, जिस कारण भारत की सैन्य शक्ति का हिलास धीरे धीरे होने लगा था। केवल पंजाब और मगध को छोड़कर अन्य कोई भी राज्य इतना सक्षम नहीं था कि वो किसी भी विदेशी आक्रमण से अपने आप की और प्रजा की सुरक्षा कर पाने में सफल हो सके। विष्णुगुप्त अपनी निजी आकांक्षाओं की पूर्ति से पहले देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देने लगा। वो चाहता था कि पंजाब के राजा पर्वतेश्वर, जिसे ग्रीस साहित्य में पोरस और भारतीय साहित्य में पुरु लिखा गया है, वे और मगध के राजा घनानंद आपस में मिल सकें तो भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे ग्रीक के प्रशासक सिकंदर को झेलम नदी के उस पार ही रोका जा सकता है। सिकंदर, जिसे फारसी में एस्केंदर ए मकदूनी, मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर और हिंदी में अलक्षेंद्र कहा गया है। सिकंदर संभवतः एस्केंदर का ही अपभ्रंश शब्द है। विष्णुगुप्त जानता था कि विश्व विजय की कामना से एक बहुत बड़ी सेना लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ सिकंदर ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिटिशिया, जुदेया, गाजा और बैक्ट्रिया पर विजय प्राप्त करने के बाद वो गांधार की ओर से पंजाब पर विजय पाने के लिए आक्रमण करेगा। गांधार और पंजाब के बीच सहयोग हो पाना संभव नहीं था। इसके 2 कारण थे। एक, गांधार गणराज्य था और पंजाब था राजतंत्र। गणतंत्र राज्य और राजतंत्र राज्य एक दूसरे के घोर विरोधी थे। उनके बीच आपस में कोई भी राजनीतिक संतुलन संभव नहीं था
और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि पंजाब का राजा पर्वतेश्वर गांधार के गणतंत्र प्रमुख अंबी की पुत्री अलका से विवाह करना चाहते थे, जिसे राजकुमार अंबिक बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। विष्णुगुप्त को तो ये संभावना हो रही थी कि यदि सिकंदर गांधार से होकर पंजाब पर आक्रमण करता है तो गांधार का राजकुमार अंबिक अपने स्वार्थ सिद्धि और पंजाब पर आधिपत्य जताने के लिए उसका सहयोग कर सकता है। इस कारण से विष्णुगुप्त को गांधार से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। भारत को विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए विष्णुगुप्त ने मगध के राजा घनानंद के प्रति अपनी कटुता को भुलाकर उनसे पंजाब का सहयोग करने के लिए आग्रह और निवेदन करने का विचार किया। वो केवल इसी प्रकार अपने प्रिय भारत की रक्षा कर सकता था और यही उसके जीवन की पहली प्राथमिकता भी थी। विष्णुगुप्त अपने पिता के पदचिन्हों पर था। उसके पिता चणक भी मगध को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित करने हेतु राज्य की सैन्य शक्ति को और बढ़ाना चाहता था, किंतु राज्य में जैन और बौद्ध अनुयायियों के बढ़ते प्रभाव के कारण मगध का महामंत्री राक्षस राज्य में सैन्य विस्तार के पक्ष में नहीं था। चणक और मगध के दूसरे मंत्री शक्टार के इस विरोध को ही राजद्रोह मानकर सजा दी गई थी। सभी तथ्यों और संभावनाओं पर अत्यंत सजगता के साथ विचार कर लेने के पश्चात विष्णुगुप्त ने अपने राष्ट्र के व्यापक हितों के लिए मगध के राजदरबार में जाकर घनानंद से पंजाब के राजा पर्वतेश्वर पौरस के लिए सहायता मांगने का निर्णय लिया। यद्यपि विष्णुगुप्त अच्छी तरह जानता था कि यह कार्य है अत्यंत दुष्कर, विष्णुगुप्त को मगध में अपने पहचाने जाने की कोई संभावना अब नहीं थी, क्योंकि जब उसने मगध का त्याग किया था तब 14 वर्ष का एक किशोर बालक था और अब 40 वर्ष का युवा। उसकी शारीरिक संरचना और कदकाठी में काफ़ी परिवर्तन हो चुका था। यही नहीं, उसका नाम भी अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वो तक्षशिला का नीति शास्त्र में दक्ष आचार्य विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त ने अपने साथ नीति शास्त्र पुस्तक की पांडुलिपियाँ ली जिन्हें उसके शिष्य ने पुनर्लेखन कर तैयार किया था और वे प्रतियां तक्षशिला के कुलाधिपति द्वारा प्रमाणित की गई थी, जिससे उसके शोध ग्रंथ को भारतवर्ष में सर्वत्र मान्यता मिल सके। वो भारत भूभाग की रक्षा का उद्देश्य संकल्प और विश्वास लेकर मगध की ओर निकल पड़ा। 3 माह की यात्रा के बाद विष्णुगुप्त मौर्यों के नगर पिप्पलीकानन में था। वर्तमान समय में ये स्थान नेपाल की सीमा पर उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले में स्थित है और इसे अब पिपरियाकोट के नाम से जाना जाता है। पिप्पलीकानन एक नगर और छोटा सा स्वतंत्र गणराज्य था। यह मोर पक्षी अधिकता से पाए जाते थे, इस कारण यहाँ के निवासी अपने घरों की दीवारों पर मोर पक्षी के चित्र उकेरते थे, जिस कारण उन्हें मौर्यों या मौर्य कहा जाता था। किंतु वास्तव में ये लोग शाक्य वंशीय क्षत्रिय थे जो आपसी संघर्ष और लगभग 2 शताब्दी पूर्व कौशल की राजधानी श्रावस्ती के राजा प्रसन्नजीत के साथ हुए युद्ध के पश्चात अपने मूल स्थान कपिलवस्तु नेपाल से विस्थापित होकर नेपाल के सीमावर्ती जनपदों में अपनी मूल पहचान को छुपाकर रहने के लिए बाध्य हुए थे। शाक्य अपने वीरता और अदम्य साहस के कारण सारे भारत में जाने जाते थे, किंतु अनवरत संघर्ष ने उनके स्वरूप को मिटा तो दिया था, किंतु मूल रूप से वे अब भी साहसी और वीर क्षत्रिय थे। पिप्पलीकानन में अपने निवास के समय विष्णुगुप्त ने देखा कि 12 वर्ष का एक बालक बड़े विशाल वृक्ष की फैली हुई शाखा पर मछली को टांग कर उसकी आंख पर अपने धनुष बाण से निशाना लगाने का अभ्यास अपनी पूरी निष्ठा और लगन से कर रहा था। उसका तीर कभी मछली के शरीर को चीरता हुआ उस पार निकल जाता, कभी फंस कर रह जाता या नीचे गिर जाता। कई बार उसका निशाना बिल्कुल ठीक लगा था। विष्णुगुप्त काफी देर तक उस बालक को निरंतर अभ्यास करते हुए देखते रहे। धीरे धीरे वो बालक की एकाग्रता पर मुग्ध होते जा रहे थे। चलते चलते विष्णुगुप्त उस बालक के ठीक पीछे पहुंच गए। वो उसकी प्रतिभा और एक निष्ठता से हतप्रभ थे। बालक के कंधे पर स्नेह से हाथ रखकर उसने कहा, अद्भुत, उत्कृष्ट। बालक ने पीछे मुड़ते हुए देखा और आश्चर्य से देखते हुए पूछा, आप कौन है महात्मन? आपको पहले कभी देखा नहीं। मैं तक्षशिला का आचार्य विष्णुगुप्त हूं और अभी वहीं से आ रहा हूं, तो तुम मुझे पहले कैसे देखते? प्रणाम आचार्य, बालक ने अपने सिर को झुकाते हुए विनम्रता से कहा। विष्णुगुप्त ने आशीर्वाद की मुद्रा में अपने हाथों को उठाकर उसके सिर पर रखते हुए स्नेह से पूछा,
तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रगुप्त। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरी माँ घर में है और पिता मगध राज्य के कारावास में। कारावास में क्यों पुत्र? विष्णुगुप्त के हृदय में बालक के प्रति और अधिक स्नेह उमड़ आया था। मेरे पिता पिपली कानन के सेनापति थे और किसी राजकीय कार्य से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र गए हुए थे। वहीं घनानंद के 8 पुत्रों, जिनके अत्याचार और अन्याय से मगध के लोग भी काफी त्रस्त हैं, उनसे कुछ विवाद हुआ और 8 वर्षों से वे उनके बंदी गृह में हैं, ये माँ ने बताया है। तो तुम अपने पिता को मुक्त कराने के लिए अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास कर रहे हो? नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, मैं घनानंद के कुल का सर्वनाश करने के उद्देश्य से अभ्यास कर रहा हूं। यह इतना आसान ना होगा, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलकर तक्षशिला में अस्त्रों शस्त्रों के संचालन, नीति, राजनीति और कूटनीति की भी उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होगी। क्या तुम मेरे साथ चल सकोगे? मां से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, इस समय मैं एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए मगध जा रहा हूं। वापस लौटने पर तुम्हारी मां से मिलूंगा और उनसे तुम्हें अपने साथ ले जाने का आग्रह करूंगा। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में, तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।